सो आई गाइस फाइनली हमारा गैरना फ्री फायर के टीम के तरफ से फाइनली ऑफिशियल अपडेट निकल के आ चुका है। हाँ गाइस यार जस्ट अभी अभी अपडेट निकल के आ गया है। फाइनली आप सभी को हमारा गैरना फ्री फायर का बैन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड गाइस आप सभी को हमारा कुछ टाइम से ये वाला प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रहा है एंड हमारा प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हमारा गैरना फ्री फायर मूव क्यों देखने को मिल रहा है। फाइनली गाइस गैरना फ्री फायर ने सब कुछ गाइस खुलासा कर दिया है आप सभी को हमारा ये सारा प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रहा है। तो गाइस यार अगर आप सभी को ये सारा इन्फॉर्मेशन जानना है वीडियो के अंदर से लेकर अंत तक रहना है। एंड गाइस अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी बजा देना है। एंड चलिए इसका वीडियो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। सो भाई लोग जैसे कि आप सभी को पता है सबसे पहली बात मतलब यार ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था हमारा एयरटेल सिम का नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। हाँ गाइस यार जैसे कि आप सभी को पता है एयरटेल सिम जिसके पास भी था वो गाइस अगर गेम पे एंटर करता है तो उसको नेटवर्क कनेक्शन एरर दिखा देता है यानी कि गेम के अंदर वो एंटर ही नहीं कर पाता है हमारा एयरटेल सिम नेटवर्क से। बट भाई लोग मैं आप सभी को बता दूं ये क्यों देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है एंड आप बहुत सारा बंदा गाइस कस्टमर केयर पे कॉल भी किए हो एंड आप सभी को बता भी दिया है कि गैरना फ्री फायर ऑफिशियली बैन हो चुका है मतलब हमारे तरफ से बैन हो चुका है। हम सभी को ऑर्डर मिला था इसलिए जो भी गैरना फ्री फायर है उसके ऊपर हमारा जो भी इंटरनेट है वो हम नहीं मतलब लागू कर रहे। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं जैसे कि आप सभी को पता है जो भी हमारा वॉइस कमांड होता है लाइक गाइस आप कोई भी कंपनी में कॉल करते हो तो उससे पहले बोलता है आप ये करने के लिए एक दबाओ ये करने के लिए दो दबाओ। तो गाइस यार जैसे कि आप सभी को पता है हमारी जो वॉइस कमांड होता है ये गाइस एकदम रियल होता है आप सभी को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बताता है जो भी ऑफिशियल तरीके से एंड ऊपर से जो भी ऑर्डर आता है तभी गाइस उस वॉइस को चेंजेस किया जाता है। तो गाइस यार इसका कहना है कि हमारा एयरटेल जो भी कंपनी है उसके तरफ से बहुत सारे एप्लीकेशन को ब्लॉक किया गया है। सरकार के निर्देशानुसार काफी एप्स ब्लॉक कर दी गई हैं जिसके कारण अब आप ये एप्स डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। असुविधा के लिए हमें खेद है। इसलिए गाइस बहुत सारे एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है मतलब उसके ऊपर जो भी इंटरनेट वगैरह है वो नहीं चल रहा है मतलब वो एप्लीकेशन जो भी एयरटेल सिम है उसका नेटवर्क से चलेगा नहीं मतलब ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि गाइस आप सभी को हमारा जो भी फ्री फायर है वो भी बैन देखने को मिल रहा है। मतलब गाइस मेरा कहने का मतलब ये है जैसे कि आप सभी को पता है बहुत सारे एप्लीकेशन उनमें से गाइस हमारा फ्री फायर भी एक एप्लीकेशन है जिसको गाइस ब्लॉक कर दिया गया है हमारे एयरटेल सिम मतलब यार नेटवर्क जो भी है उसके तरफ से। तो गाइस यार मैं आप सभी को बता दूं जैसे गाइस आप सभी को पता है ब्लॉक एंड बैन पे गाइस बहुत बड़ा अंतर है। लाइक गाइस ब्लॉक आप सभी को पता है आप अगर चाहो तो उसको ब्लॉक करके रख सकते हो बाद में अनब्लॉक भी कर सकते हो मतलब यार उसको अनब्लॉक भी कर सकते हो। एंड गाइस बैन ऐसा होता है कि परमानेंटली बैन हो जाता है गवर्नमेंट के तरफ। गाइस गवर्नमेंट के नजर पे कुछ भी उल्टा सीधा काम आता है तभी गाइस गवर्नमेंट उसको बैन कर देता है एंड गाइस उसको अनबैन होने में बहुत टाइम लगता है। सो भाई लोग कुछ इस टाइप का लिख था हमारा जो भी नेटवर्क कनेक्शन एरर था मतलब यार बहुत सारा बंदा का प्रॉब्लम वगैरह आ रहा था नेटवर्क कनेक्शन एरर आ रहा था गेम में लॉग इन नहीं कर पा रहा था इसी वजह से गाइस आप सभी को हमारा नेटवर्क कनेक्शन एरर दिखा रहा था यानी कि जो भी प्रॉब्लम है ये फेस कर रहे थे। ये गाइस दो दिन लगभग हो चुका है दो दिन से ज्यादा ही चल रहा है और भाई लोग इसका जो भी सोल्यूशन है इसके बारे में भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ आप सभी को आई बटन में एंड गाइस आप सभी को लास्ट में भी वीडियो मिल जाएगा। और गाइस चलिए इस बार बात करते हैं आप सभी को हमारा ऐप स्टोर एंड हमारा प्ले स्टोर से गैरना फ्री फायर को क्यों मूव किया गया है। हाँ गाइस यार जैसे कि आप सभी को पता है हमारा फ्री फायर मैक्स अभी प्ले स्टोर एंड गाइस ऐप स्टोर के अंदर है बट भाई लोग हमारा जो भी ओल्ड फ्री फायर है उसको गाइस मूव कर दिया गया है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं ऐसा गाइस एक ही रीजन है जैसे कि आप सभी को पता है बहुत टाइम से गाइस केसेस वगैरह चल रहा था मतलब यार हमारा गैरना फ्री फायर के ऊपर गाइस जो भी पबजी है उसने गाइस केस करके रखा है कि हमारा जो भी गैरना फ्री फायर है वो गाइस मतलब जो भी पबजी का थीम वगैरह है या तो गाइस जो भी चीज पकड़ लो वो एक के ऊपर एक कॉपी कर रहा है। बट भाई लोग मैं आप सभी को बता दूं जैसे कि आप सभी को पता है लाइक गाइस आप मूले के खेत कर रहे हो मतलब आपको मूला लगाना है खेत में तो लाइक आपके ऑपोजिट और एक मूला का बगान ऑलरेडी मतलब पकड़ लो गाइस तैयार है तो आप भी मूला का ही खेत लगा रहे हो। सो उसने जैसे तरीके से लगाया आपको भी तो वैसे ही लगाना है क्योंकि मूला का जो भी मतलब लगाने का ढंग होता है तरीका होता है वो तो एक ही होता है ना। सेम गाइस हमारा जो भी गैरना फ्री फायर या तो गाइस बैटल ग्राउंड गेम है आप सभी को पता है बैटल ग्राउंड गेम के अंदर गाइस आप सभी को पता है गन वगैरह रहेगा ग्लू वॉल वगैरह रहेगा ग्रेनेड वगैरह रहेगा कस्टमाइज मतलब जैसे गाइस ग्राउंड वगैरह एंड और भी हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ रहता है। तो यार ये बात समझो थोड़ा मतलब यार कॉमन सेंस लगाओ
के बैटल ग्राउंड गेम के अंदर सब कुछ एक ही जैसा होगा। तो गाइस पबजी को क्या भूत चढ़ा है पता नहीं है। तो पबजी ने गाइस पैसा डाला एप स्टोर एंड प्ले स्टोर के ऊपर कि हमने केस करके रखा एंड जो भी लीगल प्रूफ वगैरह है वो भी गाइस अप्लाई करके दिया है कि आप तब भी इस ऐप को क्यों प्रमोट कर रहे हो जिसके ऊपर इतना सारा केस वगैरह चल रहा है हमारा, मतलब यार वो बता रहा है कि आप इसको मूव करो। तो गाइस जो भी ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर है तो वो सोच रहा है भाई हम क्यों इन दोनों के झमले में पड़े। तो इसी वजह से गाइस जो भी ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर है इसलिए कुछ टाइम के लिए जो भी हमारा गैरेना फ्री फायर है उसको गाइस मूव कर दिया गया है, जैसे कि गाइस ऑफिशियल लीक मेरे को मिला। एंड गाइस आई थिंक मैं आप सभी को अच्छे से समझा भी रहा हूँ, जैसे यार एग्जांपल दे देके, ठीक है ना। इसी वजह से गाइस आप सभी को हमारा ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर के अंदर से हमारा गैरेना फ्री फायर को मूव देखने को मिल रहा है। एंड भाई लोग चलिए इस बार बात करते हैं आप सभी को हमारा गैरेना फ्री फायर का ऑफिशियली बैन देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं ऐसा गाइस कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के नहीं आया है, यानी कि गाइस हमारा जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसके पास गाइस हमारा गैरेना फ्री फायर का जो भी केसेस वगैरह चल रहा है इसके बारे में कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है। एंड गाइस गैरेना फ्री फायर को अभी तक बैन भी करने को सोचा नहीं है गवर्नमेंट ने। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं ऐसा कोई भी ऑफिशियल लीग एन अपडेट नहीं है। एंड आपका ये मर्जी है आप किसका वीडियो देखते हो एंड आपका माइंड सेट को किस तरीके से कस्टमाइज करते हो। जो भी यूट्यूबर वगैरह है उसका वीडियो आप देखते हो तो गाइस यार माइंड पे ना अलग सा एक टेंशन बैठ जाता है, वो जिस तरीके से बोलता है आपको उस टाइप का गाइस एक डर बैठ जाता है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, अभी तक गाइस ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि गैरेना फ्री फायर को बैन कर देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है गैरेना फ्री फायर गाइस कुछ भी ऐसा गलती नहीं कर रहा है जिस वजह से गाइस आप सभी को बैन देखने को मिलेगा। गैरेना फ्री फायर की वजह से गाइस बहुत बंदे को बहुत गरीब गरीब घर से जो भी बिलोंग करता है वो भी गाइस आज यूट्यूब में टूर्नामेंट वगैरह खेल के लाखों कमा रहा है। एंड जो भी टूर्नामेंट का गाइस टैक्सेस वगैरह होता है आप सभी को पता है ये बहुत सारा गाइस टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। सो गाइस ऐसा अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट निकल के नहीं आया है जिसके वजह से गाइस हम सोच सके कि गैरेना फ्री फायर ऑफिशियली बैन हो जाएगा। बट भाई लोग आगे जाके और भी कोई ऐसा ऑफिशियल लीक एंड अपडेट मेरे को मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से एंड गाइस फ्री फायर की तरफ से और भी अपडेट वगैरह मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं आप सभी को सबसे पहले बताने वाला हूँ। एंड गाइस अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो आपके दोस्त के साथ भी शेयर कर देना ताकि गाइस उसको भी समझने में एकदम आसानी हो एंड आसान भाषा से उसको समझ में आ जाए। सो भाई लोग आप सभी को एक ही काम करना है, इस वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर जरूर से जरूर करना है। एंड गाइस आगे भी लीक्स एंड अपडेट का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस।